हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम हैप्पियंस माइंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, इसमें रफली 7% का हमें जंप देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब स्टॉक के प्राइस 500 के था, तब से मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बोला था कि इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस हमें बहुत ही आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। और इसका प्राइस हमें फिलहाल हमें बहुत ही आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है, और फ्यूचर में भी इसका प्राइस हमें लगभग 2500 के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। अगले अगर एक साल की बात करें तो अगले एक साल में इसका प्राइस हमें 2500 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में खरीदारी करने का। बात करें तो इसका विजन और मिशन काफ़ी आगे का है। ये मुझे लगता है कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें अगले 2 से 3 सालों में काफ़ी शानदार तरीके से इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन का, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमें रफली आज के दिन यहाँ पे 7% से 8% का हमें जंप देखने को मिल रहा है। जिसने भी हमारे वीडियो का फॉलो किया होगा उसको काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा मिला होगा। दोस्तों बात करें पिछले 1 मंथ की, तो जिस तरीके से पिछले 1 मंथ में हमें 53% के आसपास का हमें रैली देखने को मिल रहा है, यकीनन इसका बहुत ही शानदार तरीके से हमें यहाँ पे हमें आगे भी इसी तरीके से हमें इसमें जंप देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें सबसे अधिक दिनों की चार्ट पैटर्न की, तो आप लोग देख सकते हो स्टॉक पिछले साल सितंबर में लिस्टेड हुआ था, और वहाँ से स्टॉक लगभग यहाँ पे 304% का मुनाफा दिया है। यानी कि लगभग अभी एक साल भी हुआ नहीं और एक साल के अंदर में इतना शानदार तरीके से मुनाफा दिया है। फ्यूचर में डेफिनेटली इसका प्राइस हमें 2500 के पास में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। फ्यूचर में इसका प्राइस डेफिनेटली हमें बहुत ही आगे की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसका यहाँ पे डेप्ट एंड रिजर्व सरप्लस का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक हमें ऑलमोस्ट हमें डेप्ट फ्री देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डेप्ट है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व सरप्लस का। तो यहाँ पे कंपनी के पास टोटल रिजर्व सरप्लस 514 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शानदार तरीके से हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगले 5 ईयर में स्टॉक के प्राइस हमें लगभग 5000+ में भी हमें जाते हुए देखने को मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों बात करें डेप्ट का, तो यहाँ पे कंपनी के पास लॉन्ग टर्म ब्रोइंग ओनली 36 करोड़ के आसपास का है, जो कि कोई खास है ही नहीं। दोस्तों वहीं बात करें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे 110 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी कोई खास फिगर है नहीं। जिस तरीके से इसका हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, फ्यूचर में डेफिनेटली ये फिगर हमें 0 होते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों वहीं बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि फिक्स एसेट भी काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 29 करोड़ के आसपास का हमें फिक्स एसेट भी देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों वहीं बात करेंगे यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 139 करोड़ का आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों स्टॉक फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस हमें काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, हमें रफली यहाँ पे 21000+ में देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। दोस्तों वहीं बात करें फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे अभी हमें 2 रुपये देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें सेक्टर के पी रेशियो का, तो यहाँ पे 52.37 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी हाई है। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं, स्टॉक काफ़ी शानदार है। डेफिनेटली इसका प्राइस हमें एनुअल ट्रेडिंग सेशन में 2000+ में जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। स्टॉक में अभी भी रैली हमें काफ़ी शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। दोस्तों वहीं बात करें यहाँ पे रेवेन्यू एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास 2017 में 430 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि 21 की बात करें तो 760 करोड़ का हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे एवरी ईयर जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट का फिगर भी इसी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो 161 करोड़ का हमें इस साल यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों वहीं बात करेंगे यहाँ पे सेल्स का, तो सेल्स का फिगर भी आप लोग देख सकते हो कि 208 करोड़ का हमें फिगर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एवरी क्वार्टर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट के साथ में हमें डेटा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बात करें यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें जंप देखने को मिला था। दोस्तों बात करें यहाँ पे इस स्टॉक में FI की होल्डिंग कितनी है, DI की होल्डिंग कितनी है, उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रमोटर का, तो यहाँ पे हमें लगभग
53% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। वहीं बात करेंगे एफआई की होल्डिंग की, तो हमें 6% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। वहीं बात करेंगे डीआई की होल्डिंग की, तो यहाँ पे 4% के आसपास का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। बात करें यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग की, तो यहाँ पे 33% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस डेफिनेटली हमें 2000+ में जाते हुए देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे कि अगर इस जिस तरीके से हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जिस तरीके से हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 7 से 8% का हमें यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, अगर हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो इसका प्राइस कितना नीचे आ सकता है। तो दोस्तों इसका एक जो हमें इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, वो लगभग 1250 के अप्रोक्स हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस हमें इतना नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस डेफिनेटली हमें 2000+ में जाते हुए देखने को मिलेगा, और एक बार स्टॉक 2000 के क्रॉस करके आगे निकला तो सीधे हमें 2500 की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, इस स्टॉक में अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी देख रही है दोस्तों यहाँ पे आगे की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।